देखिए आप लोगों को बता रहे हैं कि आपको कीपैड सेट या आपको सिंपल सेट में जिसमें कीपैड हो या सोल्डिंग वाला डिस्प्ले हो, सोल्डिंग वाला डिस्प्ले में आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें लगा डिस्प्ले पे नीचे में एलईडी लगा होता है बैकग्राउंड लाइट के लिए, और बैकग्राउंड लाइट में आप लोग को ध्यान देना है इसमें एक पोल डायरेक्ट होता है और एक पोल इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट जो होता है वो सीपीयू से कनेक्ट होता है, और जो डायरेक्ट होता है डायरेक्ट बीसी से वोल्ट आता है उस पर, और ये 3.7 वोल्ट से जलता है। ये पैरेलल लाइट होता है, ये सीरीज लाइट नहीं होकर पैरेलल लाइट होता है, इसलिए 3.7 वोल्ट से पूरे जल जाएगा। और यहाँ 3.7 वोल्ट आता है, और 3.7 वोल्ट डायरेक्ट रूप से जुड़ा है, और इसका के ए मतलब एनोड और के मतलब कैथोड। एनोड डायरेक्ट रूप से बीसी से आता है और कैथोड सीपीयू से वोल्ट जाता है। लेकिन हम ध्यान देते हैं कि अगर मेरा ए कट जाए, पॉजिटिव कट जाए, तो डिस्प्ले पे कहीं लाइट ही ना आए, लाइट कहीं नहीं आएगा। तो हम चेक करेंगे बीसी के प्लस से, हम बीसी के प्लस से इसके एनोड पे चेक करेंगे। अगर बीप रेंज है तो सही है, अगर बीप रेंज नहीं है तो यहाँ से हम जम्पर लगा सकते हैं और लाइट इसका बैकग्राउंड लाइट जल जाएगा और सही हो जाएगा। अगर मेरा के पे लाइट नहीं आ रहा है, के पे वोल्ट नहीं है, जो सीपीयू से वोल्ट आता है नहीं है, या ये वाला नहीं जल रहा है या कट गया है, तो दोनों लाइट जलेगा और ये बीच वाला लाइट नहीं जलेगा। और बीच वाला लाइट अगर नहीं जलेगा तो आप इस पे हम के से इसको जम्पर हम इसके पर कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो लाइट ना जले, मान लो एक दो लाइट जल रहा है, इसका मतलब है कि लाइट का के कटा हुआ। अगर इस तीनों में से कोई एक ना जले तो आपका मालूम चलना चाहिए कि के कटा हुआ, और के यहां से जाएगा वोल्ट जो कि सीपीयू से जाता है। के वन, के टू, के थ्री, ये तीनों तीन एलईडी के लिए तीन माइनस और एक सबका प्लस जो डायरेक्ट रूप से जुड़ा है पॉजिटिव, और पॉजिटिव कटने से कहीं लाइट नहीं आएगा, और नेगेटिव एक पोल कर जाने से जो एलईडी से जुड़ा होगा वो एलईडी के लाइट नहीं आएगा, और हम उस पर जम्पर कर सकते हैं। अगर इस पे सीपीयू से वोल्ट भी ना आए, कोई वजह से नमी पानी टूटिया इखाने से, और इस पे वोल्ट ना आए, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कीपैड में लगा एलईडी होता है, कीपैड में जलाने के लिए कीपैड लाइट के लिए एलईडी लगा होता है, 3-4-2 एलईडी वहां लगा होगा, उसके केस से इस पे हम जम्पर कर देंगे तो ये पूरे जल जाएगा सही से, ठीक, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर अन्यथा हम नहीं खोज पा रहे हैं कि सीपीयू से कहां से वोल्ट आ रहा है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो कीपैड एलईडी से इस पर हम दे देंगे के पे तो जल जाएगा पूरे एलईडी। लेकिन अगर मान लीजिए सही से नहीं जल रहा है तो कीपैड का एक एलईडी हटा देंगे, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके केस इस पे जम्पर कर देंगे, इसका लाइट सही आएगा, समझे।